सब्सक्राइब कीजिए टेक एंड सोशल चैनल को हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए, और दबाइए बगल में दिए हुए बेल आइकन को जिससे आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं इस Realme 2 Pro फोन की। तो आपने फ़ोन देख लिया किस तरह से है, तो मैं अनबॉक्स करके और रिव्यू करके आपको बताता हूं कि क्या चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो Realme 2 Pro ये फ़ोन है और जो आ रहा है 6.3 इंच की स्क्रीन के साथ, यानी स्क्रीन साइज है 6.3 इंच। प्रोसेसर की स्पीड है 1.95 गीगाहर्ट्ज़। इंटरनल मेमोरी इसमें दे रखी है आपको 64 GB। और दोस्तों ये फ़ोन जो आ रहा है 4 GB रैम के साथ आ रहा है और 16 मेगापिक्सल का इसमें बैक कैमरा है। एंड्रॉयड का 8.1 ऑडियो वर्जन इस फ़ोन में दिया गया है। और भी हैं बहुत सारी खासियत, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया में लॉन्च हो चुका है और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह से होती हैं। तो ये है Realme 2 Pro जो फुल HD प्लस कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ आ रहा है, और जो इस पर प्रोडक्शन है वो 2.5D गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है जिससे फोन ब्रेक नहीं हो और टूटे फूटे नहीं। ऑक्टा कोर इसमें प्रोसेसर है 1.95 GHz का। तो ये है फोन जो आपने देखा, ब्लैक कलर का फोन है। फुल नोच ड्यू ड्रॉप डिज़ाइन है, यानी ड्यू ड्रॉप नोच डिज़ाइन इसमें दे रखा है। अलग से आप इसमें 256 GB की मेमोरी लगा सकते हैं, 64 GB का तो है ही है इंटरनल मेमोरी, लेकिन आप अलग से 256 तक का लगा सकते हैं। ये दोस्तों Realme का जो फ़ोन के स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें इसमें पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और ये चार्जर दिया हुआ है, बिल्कुल अलग तरीके का चार्जर है इसका, ऐसा मैंने चार्जर किसी और फ़ोन में नहीं देखा। बिल्कुल अलग डिज़ाइन का चार्जर है। और ये है फास्ट चार्ज, मतलब फ़ोन को आपको बहुत जल्दी फास्ट चार्ज करता है ये फ़ोन। बैक में जो कैमरा दिया गया है उसमें है 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा, यानी ड्यूल कैमरा बैक में दिया गया है, एक 2 मेगापिक्सल का, एक 16 मेगापिक्सल का। ये फास्ट चार्ज एडाप्टर है और इसके साथ ये केबल लगेगी, चार्जिंग केबल। फ़ोन का लुक्स मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिखाया था, अभी मैं फुल आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा किस तरह से है, चला के दिखा के सारी चीज़ें करके आपको दिखाऊंगा। फ्रंट कैमरा जो है इसमें सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ। Realme का ये बैक कवर है जो दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट बैक कवर है Realme का। ड्यू ड्रॉप फुल नोच डिस्प्ले है, एक तो होती है फुल नोच डिस्प्ले, एक होती है ड्यू ड्रॉप फुल नोच डिस्प्ले। ड्यूल कैमरा आप देख ही रहे हैं पीछे विद फ्लैश लाइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। ड्यू ड्रॉप में क्या होता है, बीच में एक पॉइंटर होता है, वहीं पे केवल कैमरा दिया होता है, बाकी फुल नोच होता है। अभी मैं इस फोन को चला के भी दिखाऊंगा और क्या क्या चीज़ें हैं। एंड्रॉयड का इसमें लेटेस्ट वर्जन है, ब्लूटूथ भी लेटेस्ट है 5.0, GPS भी है, USB कनेक्टर भी है, सारी चीज़ें लेटेस्ट हैं। दोस्तों इसे 3500 mAh की लिथियम बैटरी दे रखी है और जो फ़ोन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लंबे समय तक ऑन रखती है। Realme इंडिया में काफ़ी फेमस हो रहा है यूथ के बीच में, क्योंकि इसके जो डिज़ाइन होते हैं फ़ोन के वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक्स होते हैं, काफ़ी कलरफुल फ़ोन होते हैं इसके। तो ये आप साइड से देख रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का बटन है, पावर ऑन ऑफ का बटन भी दे रखा है, और उसके अलावा आप इसमें सिम कार्ड और SD कार्ड भी साइड में लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है और फेस अनलॉक भी इसमें दिया हुआ है, 4 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल मेमोरी, अलग से 256 MB की 56 GB की आप SD कार्ड इसमें लगा सकते हैं। फुल HD डिस्प्ले है 6.3 इंच की, और जिस पे
प्रोटेक्शन के लिए 2.5D का गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है, जिससे आपका फ़ोन जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है और काफ़ी ग्लॉसी डिज़ाइन है आगे और पीछे। कैमरा सेल्फी भी ये काफ़ी अच्छा है। इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ मैं, इस तरह का दिखता है। तो ड्यू ड्रॉप नोज डिस्प्ले है इसमें, ये आप देख रहे हैं सारी चीजें। अभी कैमरा भी चेक करेंगे कि कैमरा क्वालिटी क्या है। मैं आफ्टर यूज रिव्यू भी करता हूं इस फोन का आपको, लेकिन उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1 महीने या 2 महीने हो जाएंगे तो मैं इसका आफ्टर यूज़ रिव्यू भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा चल रहा है, बैटरी बैकअप कितनी रह गई है। तो ये इस तरह का है। टच स्क्रीन काफ़ी हल्की है, मतलब बहुत ही आसानी से टच काम करता है। चलते हैं दोस्तों, कैमरा चेक करते हैं, कैमरा क्या है, किस तरह से है। तो ये कैमरा है, नीचे वो जो चीज़ें पड़ी हैं मैं उसी का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, उसी की फ़ोटो खींच रहा हूँ। परछाई के साथ भी आ रही है, लेकिन काफ़ी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही सही दिखाई दे रहा है। कैमरा काफ़ी मज़बूत है, ये बैक कैमरा है जो काफ़ी है। बैक में ड्यूल कैमरा दिया हुआ है, 2 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है, बहुत ही ग्लॉसी डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये फ़ोन है और मज़बूत भी ये फ़ोन काफ़ी है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी ज़्यादा लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।